हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले गणपति बापा के प्रिय मोदक की रेसिपी। तो एक्चुअली आज हम डेसिकेटेड कोकोनट और बेसन का मोदक बनाने वाले। तो बहुत ही नई रेसिपी है फ्रेंड्स, आपने इससे पहले कभी भी इस रेसिपी को देखा नहीं होगा। तो आपने बहुत बार बेसन के मोदक की रेसिपी देखी होगी, बट आज हम यूनिक तरीके की डेसिकेटेड कोकोनट और बेसन के मोदक की रेसिपी देखने वाले हैं। तो बड़ी टेस्टी बनती है, तो चलिए फटाफट से देख दें इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ इस कढ़ाई में 2 स्पून शुद्ध देसी घी लिया है, और घी जैसे मेल्ट हो जाता है हम इसमें डालेंगे बेसन को। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है। तो बेसन लेते टाइम एक ही बात याद रखिए फ्रेंड्स, बेसन बहुत ज़्यादा फाइन नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा मोटा इसका स्ट्रक्चर रहना चाहिए, तब खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो इस बेसन को हम स्लो गैस के फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे, लगातार चलाते हुए इसे भूनना है। तो इसे भूनने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बेसन भूनने के बाद इसकी भीनी भीनी खुशबू आ जाती है, तो परफेक्ट समझ में आ जाता है कि ये बेसन परफेक्ट भून चुका है। तो देखिए अभी इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का हो चुका है, लगातार चलाते हुए इसे भूनना है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बहुत सारी यूनिक तरीके की मोदक की रेसिपीज़ अपलोड की हैं, अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं तो प्लीज़ देख लीजिए, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मेरी सभी रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल तरीके की रहती हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, जैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये थोड़ा सा भून चुका है, इसका थोड़ा कलर चेंज हो चुका है, लेकिन हमें इसे ब्राउन नहीं बनाना। बहुत ज़्यादा ब्राउन आप बनाओगे तो इसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा और ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, तो इसलिए स्लो गैस की फ्लेम रखनी है। तो अभी देखिए, अभी इस तरीके का हो चुका है, थोड़ा सा और भूनने के बाद हम इसमें घी ऐड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्टली जो बेसन के मोदक बनाते तो यही मेथड रहता है, पर थोड़े से चेंजेस मैंने इसमें किए हैं। पहले मैंने इस रेसिपी को ट्राई करके देखा है, इसकी टेस्ट ज़बरदस्त आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए अभी ये इस तरीके का हो चुका है, हम इसमें ऐड करने वाले घी को, तो मैं इसमें 1 स्पून घी डाल रही हूँ। तो पूरी तरह से देखा जाए तो मैंने इसमें 3 स्पून घी डाल दिया है। तो देखिए अभी ये इस तरीके का पेस्ट जैसा बन जाता है। इसी तरीके का होने के बाद और थोड़ी देर हम इसे भूनेंगे, अगर गैस की फ्लेम स्लो रहेगी तो इसका कलर ब्राउन नहीं होता फ्रेंड्स। तो इसमें हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ मैंने 2 स्पून बड़े वाला 2 स्पून डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। अगर आपने 1 कप बेसन लिया है तो 1/4 कप आप यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते, अच्छे से भूनेंगे, लेकिन जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है उसे भी ब्राउन नहीं बनाना। तो आज हम मोदक बनाने वाले हैं, तो इसमें कोकोनट तो डलना ही चाहिए, इसलिए मैंने इसमें कोकोनट डाल दिया है। जब हम कोकोनट डालते हैं तो वो थोड़ा सा मोदक जैसा लगता है, अगर आप इसमें कोकोनट नहीं डालोगे तो ये बेसन का लड्डू जैसा हो जाएगा, इसकी टेस्ट लड्डू जैसी ही आएगी। सो इसलिए बेसन के जब हम मोदक बनाते हैं तो इसमें हमें डेसिकेटेड कोकोनट डालना ही चाहिए। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके ही देखा है फ्रेंड्स। तो अभी ये हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो मैं इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, तो इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करने वाले। अगर ये मिक्सचर गर्म होता है उस टाइम आप इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे तो ये बहुत ही पतला स्ट्रक्चर हो जाएगा और इससे आप मोदक बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये पूरी तरह से ठंडा करेंगे और बाद में इसमें हम शुगर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको बेसन के लड्डू बनाने हैं तो मेथड यही रहेगा, बट हमने जो कोकोनट इसमें डाल दिया है वो आपको नहीं डालना, इतना ही करना है तो ये लड्डू हो जाएंगे। तो देखिए इसमें मैंने 1/2 कप शुगर पाउडर ऐड की है, अगर आपको थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है उसी पे डिपेंड, आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं शुगर पाउडर की क्वांटिटी, लेकिन इतना शुगर पाउडर इनफ हो जाता है 1 कप बेसन के लिए। अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। अभी आपको ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा होगा, थोड़ी देर के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, मीन्स पतला हो जाता है। तो देखिए इसी तरीके से मैं इसे मिक्स कर देती हूँ, इसका हमें
डो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरीके से इसे छोड़ेंगे तो भी चलेगा। तो इसमें मैंने इलायची पाउडर भी डाल दी है। इलायची पाउडर डालने के बाद इसका स्वाद ज़बरदस्त आता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसे इसी तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर इसकी मुट्ठी बंद रही है तो समझ लेना ये परफेक्ट मिक्सचर रेडी है मोदक बनाने के लिए। तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। इसका डो बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं डो बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके से भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम फिर इससे मोदक ही बनाने वाले हैं। तो मैं इसी तरह से इसे एक साइड में कर देती हूँ। और अगर आपके पास मोदक का मोल्ड नहीं है तो आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने हाथों को पहले थोड़ा सा घी लगा दिया है और हम इस तरह से इसका रोल बनाएंगे और बाद में हम इसे मोदक का शेप देंगे। तो देखिए ठीक इसी तरीके से हम इसे मोदक का शेप देंगे। अगर मोल्ड नहीं है तो भी हम बढ़िया तरीके से मोदक हाथों से बना सकते हैं। तो यहाँ हम लेंगे एक स्पून और स्पून से ही इसके ऊपर इस तरह से लाइन खींचेंगे। देखिए इस तरीके से लाइन खींचने के बाद इसमें बढ़िया सा डिज़ाइन आ जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है, परफेक्ट मोदक जैसा ये लगने लगता है। तो देखिए अभी ये हो चुका है, तो बढ़िया सा मोदक बनके रेडी हुआ है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो और फिर हम यहाँ लेंगे एक मोदक का मोल्ड, उसके ऊपर हम घी लगाएंगे। तो घी लगाने से ये स्वादिष्ट भी लगता है और चिपकता भी नहीं है। तो इसी मोल्ड के ऊपर हम डेसिकेटेड कोकोनट को डाल देंगे। अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि जो डेसिकेटेड कोकोनट हमने इसमें डाल दिया है वो पूरी तरह से मोदक के ऊपर लगना चाहिए। इस तरीके का हम बनाएंगे। तो देखिए आप सोचेंगे कि हमने इसे फोल्ड किया है तो डेसिकेटेड कोकोनट इकट्ठा हो जाएगा, बट वैसी कोई बात नहीं, वो इकट्ठा नहीं होता क्योंकि हमने इसके अंदर पहले घी लगाया था। सो वो चिपकता है घी के साथ, इसलिए इकट्ठा नहीं होता। इसी तरीके से हम इसमें फिलिंग को भर देंगे। अच्छे से प्रेस करना है तभी तो इसका प्रॉपर शेप आता है। और धीरे से ओपन कर देंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्यूट सा ये यूनिक तरीके का कोकोनट बेसन मोदक बनके रेडी हुआ है। तो इसका जो नाम है वो मैंने ही रखा है फ्रेंड्स। अगर आपको इसका नाम पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो बाद में भी हम सेकंड टाइम जब मोदक को बनाते हैं तो उस टाइम पहले इसके ऊपर घी लगाएंगे और फिर डेसिकेटेड कोकोनट को स्प्रेड करके रख देंगे और फिर इसमें हम इस मिक्सचर को भर देंगे। तो अच्छे से भरना है दबा दबा के, अंगूठे के हेल्प से आप इसे प्रेस करते हुए भर सकते हैं। तो भरने के बाद हम इसे ओपन करने वाले, तो बहुत ही जल्दी फटाफट से आप इस तरीके से ढेर सारे मोदक बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसे भी धीरे से ओपन कर देंगे और ये भी बहुत ही प्यारा क्यूट सा बन चुका है। तो इसके ऊपर आपको डेसिकेटेड कोकोनट दिख रहा होगा, वो बहुत ही बढ़िया लगता है, यूनिक लगता है और इसकी टेस्ट भी ज़बरदस्त आती है फ्रेंड्स। ये खाते टाइम मुँह में चिपकता भी नहीं है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अभी मैं बहुत सारी मोदक की रेसिपी एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ, जैसे रेसिपी सक्सेसफुल हो जाती है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा'स टेस्टी वर्ल्ड।